thank you and welcome to Facebook. Thank you. Thank you. मार्क, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आज मुझे फेसबुक के हेडक्वार्टर पर आकर के दुनिया जिसके साथ जुड़ी है उनके साथ मुझे आज रूबरू में जुड़ने का अवसर मिला है। विज्ञान और अध्यात्म का नाता ऐसा हो भी सकता है, वो शायद मार्क ने आज न बताया होता तो दुनिया को पता नहीं चलता। अमेरिका से एक नौजवान कुछ करने के सपने देखता है, और विज्ञान की दुनिया में जिसने सफलता पाई है वैसे उसके गुरु उसे कहते हैं कुछ भी करने से पहले हिंदुस्तान जाओ, वहाँ किसी टेंपल में जाओ और वहाँ जाकर के तुम अपनी बात बताओ, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। ये बात अपने आप में एक अजूबा है। दुनिया के लोगों के लिए आज मार्क आपकी बात सुनकर के बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ होगा, और मैं आशा करता हूं कि जो प्रेरणा आपको मिली है, जिस प्रेरणा से आपने इस काम को प्रारंभ किया है, ये सिर्फ कंपनी की बैंक अकाउंट को बढ़ाने वाला काम नहीं रहेगा, ये दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोगों की आवाज़ बनेगा, ये दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोगों के एस्पिरेशंस की अभिव्यक्ति का माध्यम बनेगा, और ये आपका प्रयास सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति करने की जिनकी जिम्मेवारी है उनको जगाए रखेगा। और उस अर्थ में मैं आपके इस प्रयास को अभिनंदन करता रहूं, धन्यवाद करता हूं। आपने सवाल पूछा कि लोग भारत के प्रतिपास बड़ी आशा भरी नज़र से देख रहे हैं, आपको क्या लगता है जब आप भारत आए, आप किसी टेंपल में गए बड़ी आशा भरी नज़र से, और देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आपका अनुभव कहता है कि जो भारत से आशा अपेक्षाएं हैं सामर्थ्य भारत में है, ये आपका खुद का अनुभव बता रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर आर्थिक नजरिए से देखा जाए, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, दुनिया की सारी रेटिंग एजेंसीज हो, एक स्वर से सब लोग कह रहे हैं कि आज विश्व के बड़े देशों की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अगर कोई है तो वो है भारत। आज हम $8 trillion इकोनॉमी है। मेरा ड्रीम है $20 trillion इकोनॉमी में कन्वर्ट करना। और उस काम को करना है मुझे तो तीन बातों पर मैं बल दे रहा हूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
आप वो लोग दुनिया से जुड़े हुए हैं जिनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर में है, और मैं सर्विस सेक्टर की ताकत बहुत बड़ी देख रहा हूं। अकेला अगर टूरिज्म ले ले मैं, अकेला टूरिज्म, भारत के पास टूरिज्म के क्षेत्र में इतनी संभावनाएं पड़ी हैं, जॉब क्रिएशन के लिए इतनी संभावनाएं पड़ी हैं, और आज की टेक्नोलॉजी ने विश्व को इतना निकट ला करके रख दिया है, इतने अपनेपन को पैदा कर दिया है, और टूरिज्म अगर बढ़ता है तो सर्विस सेक्टर को, जॉब क्रिएशन को, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज लाने में एक बहुत बड़ा बड़ी ताकत बनती है। और उस अर्थ में मैं देखता हूँ कि पिछले साल सवा साल में भारत के प्रति जो नज़रिया बदला है, आज कहीं पर भी किसी भारतीय को किसी विदेशी व्यक्ति से मिलने का अवसर मिलता है तो वो बड़े गर्व के भाव से देखता है। इतने कम समय में ये परसेप्शन बदल जाना, ये उस विश्वास की नींव के कारण होता है। अगर 15 महीने में सबसे बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है तो वो खोए हुए विश्वास को हमने वापस लाया है, एक कॉन्फिडेंस लेवल को लाए हैं, और मैं मानता हूं वही चीजों को बदलाव करते हैं। आईसीयू में पड़ा हुआ पेशेंट भी जब उसको विश्वास हो जाता है कि हाँ मेरे डॉक्टर आ गए, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, आईसीयू वाला पेशेंट भी बाहर आ जाता है। जब मैंने सोशल मीडिया को अपनाया तब मुझे ही मालूम नहीं था कि मैं कभी मुख्यमंत्री बनूंगा, कभी प्रधानमंत्री बनूंगा। तो मैंने ये तो सोचा नहीं था कि सोशल मीडिया का मुझे गवर्नेंस में भी काम आ सकता है। मैं जब सोशल मीडिया से जुड़ा तो एक टेक्नोलॉजी के प्रति मेरी क्यूरियोसिटी रहती थी। मैंने देखा कि मैं किताबों के द्वारा दुनिया को समझने की जो कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि टेक्स्ट बुक के बजाय अगर गाइड मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और गाइड से भी अगर कोई श्योर सजेशंस दे देता है तो और अच्छा लगता है। मेरे लिए सोशल मीडिया ने यह काम किया। मुझे बहुत ही कम समय में 2-4 शब्दों से मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो मिल जाती थी। और दूसरा फायदा ये हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बहुत मेरे पास वो सौभाग्य नहीं था कि मुझे कोई ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सकूं, लेकिन मेरी उस कमी को सोशल मीडिया ने भर दिया। 2-4 शब्दों से भी मेरी दुनिया चल जाती थी, और उसके कारण मेरी थॉट प्रोसेस में बहुत बड़ा बदलाव आया। मैं जो कभी अपने आसपास की दुनिया से ही सोचता था, एक पूरे विश्व के दायरे तक उसे छूने का मुझे अवसर मिला। मैं जुड़ता चला गया, और जैसा जैसा मैं जुड़ता चला गया, दुनिया ने भी मैं जैसा हूं वैसा मुझे स्वीकारना शुरू कर दिया। और इंसान के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह होती है कि आप जैसे हो वैसे जब दुनिया आपको स्वीकार करती है तो उससे बड़ा आनंद का कोई अवसर नहीं होता। वरना क्या है, लोग कहते हैं हाँ आप अच्छे हैं लेकिन ये होता तो अच्छा होता, आप बहुत अच्छे हैं लेकिन थोड़ा ये सोशल मीडिया पे वो प्रॉब्लम भी नहीं है। आप जैसे हैं वैसे दुनिया स्वीकार करती है आपको, उसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है।
और इससे आपका धारा बहुत तेजी से बढ़ता है। मैंने ये जो पहले अनुभव किया वो इस दायरे को बढ़ाने वाला अनुभव किया। जब मैं सरकार में आया तो मेरे सारे दरवाजे खुल गए। मैंने देखा सरकार का एक प्रॉब्लम होता है, उसका और जनता के बीच बहुत बड़ा गैप होता है, बहुत बड़ी खाई होती है। और जब पता चलता है तब 5 साल हो जाते हैं, चुनाव आता है, रिजल्ट आता है, तब पता चलता है कि भाई इतनी बड़ी गैप थी। सोशल मीडिया के कारण डेली वोटिंग होता है। मैं अभी बात कर रहा हूं, अभी वोटिंग चलता होगा कि मोदी ठीक कर रहा है गलत कर रहा है। आज सोशल मीडिया की ताकत है कि किसी भी सरकार को वो गलत करता है तो रोकता है, गलत करने से डरता है और गलती सुधारने का अवसर पहले 5 साल में एक बार चुनाव के बाद होता था, आज हर 5 मिनट के बाद होता है। मैं मानता हूं ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत बन गया है और इसलिए मैं सभी राजनेताओं से, दुनिया के सभी राजनेताओं को, सोशल मीडिया से भागने से कुछ होने वाला नहीं है। आप जुड़िए, आप उसको जानने की कोशिश कीजिए। अच्छी सरकार तब चलती है जब आपको इंफॉर्मेशन चैनल बहुत हो आपके और रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती हो। सरकारों के पास पहले मैकेनिज्म था भी तो बड़ा स्लो था, कहीं पर कुछ हो जाता था तो 24 घंटे के बाद जब न्यूज़पेपर आता था तब पता चलता था यार वहां कहीं हुआ है। आज 24 सेकंड में पता चलता है कि दुनिया के उस कोने में ऐसा हुआ है। और इसलिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए ये सबसे बड़ा सोर्स है। और अगर गवर्नमेंट जागरूक है, सतर्क है, कॉन्शियस है तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन से वो करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क बना सकते हैं और काम की गति को बहुत बढ़ा सकते हैं। और उस अर्थ में मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया ने गवर्नेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अब मुझे सवाल पूछा डिप्लोमेसी का। देखिए डिप्लोमेसी पहले क्या होता था, कंट्री कैपिटल एक दूसरे से जुड़ते थे, दिल्ली वॉशिंगटन से जुड़ता था, दिल्ली टोक्यो से जुड़ता था, नेताओं से जुड़ते थे। सोशल मीडिया के कारण एक देश दूसरे देश के नागरिकों से जुड़ता है। आज मैं चाइना में सोशल मीडिया का अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन मैं भी वहां भी एक्टिव हूं। और मैं वहां चाइनीज लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता हूं। आपको हैरानी होगी, मैंने चाइना की वीबो पर उनके प्रधानमंत्री के जन्मदिन की बधाई दी। चाइना के नागरिकों के लिए उनके प्रधानमंत्री का जन्मदिन एक न्यूज थे और वो इतना वायरल हुआ था, पूरे चाइना में इतना वायरल हुआ था। अब ये डिप्लोमेसी का रूप कहां किसी ने कभी सोचा था, कभी नहीं सोचा था। मैंने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को, उनका एक फेस्टिवल होता है, उस फेस्टिवल पे हिब्रू भाषा में शुभकामनाएं दी, वो वायरल हो गई। लेकिन सबसे बड़ी मजा तब आई जब उन्होंने मुझे इसका जवाब थैंक्स हिंदी में भेजा। अब देखिए ये डिप्लोमेसी का नया रूप है जो सीधा जनता से जोड़ता है। और शायद विश्व एक परिवार है
ये फॉर्मेशन में ये सोशल मीडिया एक कैटलिक एजेंट के रूप में बहुत बड़ी नई भूमिका अदा कर रहा है. Morning, Prime Minister Modi and Mark. Thanks for having us here. I live in Bangalore right now, and I moved to India 8 years ago, you know, and co-founded babajob.com because I saw a great promise to be able to impact India's digital revolution and enable millions of people throughout the country to get better jobs using the internet. I always felt like, much like governments in the past have had to invest in physical infrastructure, like building roads and railroads, in this day and age, I feel like governments, one of the main roles they should be playing is to invest in the digital infrastructure, which will allow its citizens to get connected and be able to be productive citizens of the global society. So, Prime Minister, my question to you is, what investments is your government going to make to enable, you know, the next 800 to a billion people in India to get connected? वीर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने भारत आकर के अपना नसीब आजमाने के लिए प्रयास किया है. मैं इसका स्वागत करता हूं और वीर से प्रेरणा लेकर के यहां के और भी नौजवान जरूर भारत आना पसंद करेंगे. ये बात सही है कि भारत ने दो बातों पर इक्वली बल देना पड़ेगा. एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम नकार नहीं सकते क्योंकि मेरे देश की वो रिक्वायरमेंट है, और दूसरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि मैं पहले ये काम करूं, फिर दूसरा करूं, फिर तीसरा करूं, तो वक्त चला जाएगा. तो मुझे साइमल्टेनियस सारे चीज करने पड़ेंगे, और ये मेरा कन्विक्शन है कि आज के 21वीं सदी में जितना महत्व हाईवेज का है, उतना ही महत्व हाईवेज का है. हाईवे भी चाहिए, इंफॉर्मेशन वेज भी चाहिए. भारत में 600,000 विलेजेज हैं. ये नंबर ही इतना बड़ा है कि लोगों को वहीं से डर लग जाता है. और करीब 2.5 लाख पंचायतें हैं. मेरी कोशिश है कि नेक्स्ट 5 ईयर में इन सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ दूं. जो लोग भारत से परिचित हैं, और दुनिया में भी आप देखोगे तो मानव संस्कृति का जो विकास हुआ है, पहले लोग वहां बसते थे जहां नदी हुआ करती थी. जहां नदी होगी उसके बगल में शहर बसते थे. वक्त बदल गया, जहां से हाईवेज गुजरते थे शहर वहां बसने लग गए. आने वाले दिनों में जहां से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क गुजरेगा वहां पर शहर बसने वाले. ये बदलते हुए विश्व को हमने देखना चाहिए, और इसलिए हमारी कोशिश है कि हम गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी को बहुत बड़ी मात्रा में ला रहे हैं. ट्रांसपेरेंसी के लिए वो बहुत उपयोगी हो रहा है. इफेक्टिव गवर्नेंस करना है, इजी गवर्नेंस करना है, इवन इकोनॉमिकल गवर्नेंस करना है, तो ये टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी ताकत है. तो सरकार के फायदे के लिए भी मेरे लिए कंपल्सन है कि मेरा पूरा शिफ्टिंग डिजिटल वर्ल्ड की हो. तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बल हो. जहाँ तक पैसों का सवाल है, मैं नहीं मानता हूं आज दुनिया में पैसों की कोई कमी है. बहुत से देश हैं उनको पता नहीं है पैसे कहां लगाएं. मैं उनको एड्रेस दे रहा हूं कि हियर इज द प्लेस.
Well, I was born in India, but we immigrated to the U.S. in 1971, and I learned my English on the streets of Kentucky. Prime Minister, welcome to campus, and Mark, thank you for hosting us on this fine early Sunday morning. My question for the Prime Minister is, do you think it's become easier in the last 15 months to do business in India or not? You introduced a program called Make in India to cut red tape, but there is a perception that the pace of reform is slow. Do you think that Make in India will ultimately be successful? देखिए, एक स्कूटर जब टर्न करना होता है, ऐसे जा रहा स्कूटर, इट टेक्स हाफ अ सेकंड, और आपको पता चला हाँ यार स्कूटर ऐसे जा रहा था, इधर आ गया। लेकिन अगर 40 डिब्बे वाली ट्रेन को मुझे इधर से इधर लाना है तो काफी देर लगती है। हाँ यार इधर गया फिर आया, अभी तो आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं। इतना बड़ा देश, आपको एक बदलाव निरंतर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और जब उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट कुछ समय के बाद ध्यान आता है तब लगता है कैसे से कैसे हो गया। अब आप देखिए, भारत में 40 साल पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, इस मकसद से हुआ कि बैंक गरीबों के काम आनी चाहिए। लेकिन 40 साल में 60% पॉपुलेशन उसका बैंक अकाउंट नहीं था। अब काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका हिसाब कैसे लगाओगे? 40 साल में 180 मिलियन लोग बैंक का अकाउंट नहीं था। ये सरकार आई 100 डेज में, 100 डेज 180 मिलियन। अब आप स्पीड देखो, स्केल देखिए, ये देखोगे अरे वाह कैसे हो गया भाई, जो 40 साल में नहीं हुआ वो 100 दिन में कैसे हो गया। तो ये बदलाव की स्पीड है, बदलाव की स्पीड है। जिस प्रकार से अभी मैंने एक अभियान चलाया और वर्ल्ड बैंक ने इनिशिएटिव लिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रेटिंग में भारत दुनिया में 140 नंबर पर खड़ा है। और जो रिपोर्ट देख करके सोचेगा वो कभी भारत में आने के लिए नहीं सोचेगा, स्वाभाविक है, क्योंकि कंपनी का जब बोर्ड बैठता है तो कागज लेके बैठता है, वो कोई देखने के लिए थोड़ा आता है, जैसे फेसबुक वाले टेंपल में आ गए। वो तो अपना बोर्ड देखते हैं। अब ये आज मार्क की बात सुनकर के लोग सोचेंगे यार कागज से नहीं, पहले एक बार जाकर के देख ले। लेकिन हमने तय किया कि हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है। मैंने सभी स्टेट को ऑन बोर्ड दिया, वी आर अ फेडरल गवर्नमेंट, और ज्यादातर हमारे यहां स्टेट के पास सबसे ज्यादा पावर है। उनको बुलाया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या क्या रुकावट है उसका एक लिस्टिंग किया, और अभी वर्ल्ड बैंक ने रेटिंग किया। मैं हैरान था, मैं खुद हैरान था, सभी राज्यों के बीच ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक अनप्रेसिडेंटेड कॉम्पिटिशन शुरू हुआ है। एक से दूसरा राज्य आगे निकलना चाहता है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट इन लास्ट 6 मंथ्स इंडिया ने अचीव कर लिया है। आने वाले दिनों में जब नेशनल रेटिंग आएगा, मुझे विश्वास है हम 140 से काफी ऊपर चले जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि संभावना। दूसरा, मेक इन इंडिया की सफलता का रहस्य क्या है? दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी बंद करना नहीं चाहता है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो खड़ा होना चाहता है। अगर फेसबुक के हेडक्वार्टर को
मान लीजिए 10 मिलियन पगार देना पड़ता है लोगों को हर महीना, और वही काम भारत में 1 मिलियन पगार से होता है, तो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, इफेक्टिव गवर्नेंस, स्किल मैन पावर, रॉ मटेरियल एंड द बिगेस्ट मार्केट इन इंडिया, ये सारी संभावनाएं ऐसी हैं कि जो मेक इन इंडिया के लिए, दुनिया के किसी भी मैन्युफैक्चर के लिए ये स्वर्ग भूमि है। और उस अर्थ में मैं देखता हूं कि मेक इन इंडिया के लिए बहुत बहुत संभावनाएं पड़ी हुई हैं और सफलता की ओर। आपने देखा होगा पिछले 15 महीने में अकेले अमेरिका से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 87% ग्रोथ है, 87%, वन कैन इमेजिन। FII में बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है, और एवरेज हमारे देश का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ 40% हो गया है, जो कि आज दुनिया में जो रिसेशन है दुनिया के और में 16% माइनस है, वरज इंडिया 40% प्लस है। ये बताता है कि मेक इन इंडिया की सफलताएं इसके साथ जुड़ी हुई है, और मैं देख रहा हूं कि मेक इन इंडिया सफल होगा। दूसरी बात है, भारत के पास इन दिनों जो सुविधा है उसकी कंपैरिजन में दुनिया के किसी के पास नहीं है। हमारे पास 3D है, और 3D हमारी यूनिक स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ ऐसा नहीं, इसे यूनिक स्ट्रेंथ, डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोक्रेसी एंड डिमांड। 800 मिलियन पॉपुलेशन बिलो 35 है, जो जवान देश हो, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हो, वाइब्रेंट जुडिशरी हो, वाइब्रेंट मीडिया हो, लाइक माइंडेड कंट्रीज के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है डेमोक्रेसी। एंड डिमांड 1.25 बिलियन पीपल, कितनी बड़ी डिमांड है। और उसमें मैंने आकर के एक नया डी जोड़ दिया है, डीरेगुलराइजेशन। मैं सारे सरकारी कब्जों से भी हटा रहा हूं, मैं सरकार को छोटी कर रहा हूं, और मेरी फिलोसॉफी है गवर्नमेंट है नो बिजनेस टू बी देयर इन बिजनेस। ये हमारा काम नहीं, होटल चलाना, लोग चलाएं और अच्छे तरह से चलाएं। और ये चीजें हैं जिसके कारण मैं देख रहा हूं कि मिस्टर खुराना, बहुत संभावना है। जी हाँ, मैं भारत में दिल्ली में महिला सशक्तिकरण के लिए सेंटर फॉर सोशल रिसर्च 2-3 सालों से काम कर रही है, उसकी मैं निदेशिका हूँ और अक्सर तमाम सवालों पर भारत में काम कर रही हूँ। मेरा सवाल आपसे है मोदी जी, दुनिया में भारतीय महिलाओं को लेकर काफ़ी कुछ कहा सुना गया है पिछले समय में, जिसकी वजह से सब लोग जानना चाहते हैं कि आपका महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं और बच्चियों लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए क्या योजना है, और ख़ास तौर से प्रोग्रेसिव इंडिया जो भारत के विकास की जो हमारी इच्छा है उसमें महिलाओं की बराबरी के लिए आपका क्या सोच है? दो पहलू हैं, मैं एक उन पहलुओं को और ले जाऊंगा जो कई लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब मार्क ने टेंपल की बात कह दी है तो मेरा मन करता है मैं भी ऐसा कुछ बता दूं। दुनिया में भगवान की कल्पना सभी समाजों में है, ईश्वर की कल्पना हर किसी समाज में है, लेकिन हर किसी समाज में भगवान पुरुष ही है, हर समाज में। अकेला हिंदुस्तान है जहां स्त्री भगवान की कल्पना की गई है, दुर्गा, सरस्वती, अम्बा, काली, यानी मूलभूत हमारे चिंतन का जो अधिष्ठान है
उसमें नारी के इस रूप की कल्पना की गई है। ये बात सही है कि हजारों साल से चलते चलते कभी उसमें डाइवर्जन आते हैं, डिटोरिएशन आते हैं, वो बदलती हुए समाज की एक तासीर रहती है। जहाँ तक सरकार का सवाल है, भारत को अगर अपने आर्थिक विकास के लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो 50% पॉपुलेशन को घर के अंदर बंद रख करके नहीं हो सकते हैं। इस 50% नारी शक्ति वो भारत की विकास यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर के 100% पार्टनरशिप होनी चाहिए। सरकार की नीतियां प्रोएक्टिव होनी चाहिए और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान में एजुकेशन ले लीजिए, हेल्थ ले लीजिए, तो वहाँ स्थिति ऐसी है कि मेल के लिए रिजर्वेशन करना पड़ेगा। अगर आप आज एजुकेशन फील्ड की मीटिंग करें, 1000 लोगों को बुलाएं, तो 800 महिलाएं होती हैं, 200 ही पुरुष होते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में पूरी एजुकेशन एक्टिविटी आज हिंदुस्तान में महिलाओं के हाथ में है। हेल्थ सेक्टर, आज अगर आप हेल्थ सेक्टर की कोई कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, आपको बहुत बड़ी मात्रा में हेल्थ सेक्टर में, खास करके नर्सिंग में, पैरामेडिकल स्टाफ में, पूरा कंट्रोल महिलाओं ने लिया है। पिछले दिनों हमने एक निर्णय किया, पुलिस डिपार्टमेंट में जो यूनियन टेरिटरीज है, जो कि भारत सरकार निर्णय करती है, वहाँ 30% रिजर्वेशन फॉर द वीमेन पुलिस हमने डिसाइड किया। भारत आज भी दुनिया के कई देश हैं, जहाँ किसी महिला को चुनाव जीतना आज भी मुश्किल है। बहुत ही पढ़े लिखे देशों में भी भारत में इलेक्टोरल प्रोसेस में अनेक राज्य ऐसे हैं कि जहां लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 50% विमेन रिजर्वेशन है। अगर 100 लोगों का बॉडी है तो कंपलसरी 50 महिलाएं होगी होगी होगी। ये छोटा निर्णय नहीं है। और पार्लियामेंट असेंबली में भी उसके लिए बहस चल रही है कि वहां भी महिलाओं को, ताकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनकी भागीदारी हो। और मैं मानता हूं कि विमेन एम्पावरमेंट में एक बात हमको अचीव करनी होगी कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में विमेन का हिस्सा होना चाहिए। सिर्फ वो मकान बनाते हैं तो दीवार का कलर कैसा हो, यहां तक उसका सीमित रोल नहीं होना चाहिए। मकान कैसा बने तब तक का उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। परिवार में भी एम्पावरमेंट होना चाहिए। और इस दिशा में अब जैसे हमने एक अभियान चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं जब गुजरात में था मुख्यमंत्री, जून महीने में 45 डिग्री टेम्परेचर गुजरात में होता है। मैं जून महीने में 12, 13, 14, 15 इन जून के 4 दिनों में खुद गांव चला जाता था, गांव में रहता था। 45 डिग्री टेम्परेचर हुआ करता है, हर घर जाकर के कहता था बेटी को स्कूल भेजिए, मुझे आपकी बेटी को पढ़ाना है। और मैं 100% गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को अचीव करके रहा था। आज मेरी कोशिश है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बहुत बड़ा मूवमेंट नेशन वाइड चल रहा है। तो ऐसे अनेक काम है। हम हर जैसे सरकार की कोई स्कीम है, सरकार की स्कीम में अगर हम गरीबों को मकान देते हैं तो मेरे यहाँ कंपलसरी है वो मकान सबसे पहले मालिक का नाम महिला का होगा, सेकंड नेम उस घर के पुरुष का होगा। पहले भारत में बच्चों को स्कूल दाखिल करते थे तो बच्चे के पीछे पिता का नाम लिखा जाता था। मैं जब गुजरात में थे मैंने कंपलसरी कर दिया था, बच्चे के साथ सिर्फ पिता का नाम नहीं माता का नाम कंपलसरी रहेगा। आपको समाज जीवन की जो पुरानी सोच है उसको बदलना होगा। और एक के बाद एक, चाहे सामाजिक स्तर हो, आर्थिक स्तर हो, सरकार की व्यवस्था का स्तर हो, इन सारे विषयों में इसको जोड़ा जा रहा है।
और मैं मानता हूं उसके कारण बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है।